गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आज संडे, संडे मतलब फंडे। क्या संडे क्या फंडे, लॉकडाउन में सारा दिन एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे चल रहा है साफ सफाई जो डेली का काम है, पर डेली तो नहीं करती हूँ। अलमारी वगैरह एक दो दिन छोड़ के ही करने की कोशिश करती हूँ, डेली हो नहीं पाता। टीवी को तो डेली साफ करना पड़ता है। पंखा चलता है ना तो सारी साइड में डस्ट अजीब सा दिखता है, जम जाता है। और ब्लैक कलर का सनमाई है तो और अलग सा ही चमकता है ये। तो प्लीज मेरे चैनल में जो नए आ रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो एक थम्स अप दे देना। और जो मेरे पुराने फ्रेंड शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़े, उनको बहुत बहुत प्यार मेरे तरफ से। इसी तरीके से मेरे साथ रहना और इसी तरीके से प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। और आप लोगों की जो कमेंट, उसी से ही पता लगता है कितना प्यार करते हो आप लोग मुझे। तो प्लीज इसी तरह से कमेंट भी देते रहना, ठीक है? तो चलो सुबह की साफ सफाई। और दूसरी बात, प्लीज कोई स्पैम कमेंट मत करना। वीडियो को कम से कम 3 मिनट देखने की कोशिश करना, उसके बाद कमेंट देना। कोई कोई फ्रेंड आते हैं जो वीडियो देखते नहीं है, बस कमेंट करने में जितना देर है बस कमेंट करके चले जाते हो। तो आप लोगों की वो कमेंट वहाँ स्पैम बॉक्स में चला जाता है, तो उस कमेंट का ना मैं रिप्लाई दे पाती हूँ ना कुछ हो पाता है, बेकार जाता है आपका वो कमेंट। तो आपका भी 2 मिनट कट जाता है उसमें से, मेरा भी 2 मिनट कट जाता है। आपका भी कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरा भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो चलो देखो साफ सफाई। कल सिलाई करी थी तो उस पर कटिंग वटिंग का कपड़ा ना पंखे की हवा से बैठ के नीचे घुस गया था, तो अभी झाड़ू ने उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा के निकाला, तो इतना सारा कचड़ा सड़ा निकाल आया। तो अंदर रूम की तो क्लीन हो गई, झाड़ू पोछा की बारी। देखो किशन का कितना बुरा हाल है। किशन स्लीप तो मैं रात को ही साफ करके गई थी, बेसिन वगैरह सब कुछ साफ है, बस टेबल बिखरा पड़ा है। चार्जर वगैरह इधर सुबह नाश्ता देके गए बच्चों के लिए, कुछ उनको सैनिटाइज करके टेबल पे रख दिया था। अब सोच रही उसको साइड कर दूँ, तो थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते टेबल के ऊपर भी, गीला कपड़ा मार देते। तो खाना बना, ये टेबल मेरा खाने पे यूज़ नहीं आता, कोई नहीं खाते टेबल पे, तो इसीलिए मैं इसके माइक्रोवेव और जो मेरे हाथ का ज़रूरत की सामान है वो रख देती हूँ। खाना बनाते टाइम फटाफट मिल जाता है। ड्रॉ देख लो ना, जो किचन की काउंटर के नीचे जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे एक ड्रॉयर था, टूट चुका है, मतलब उसका पैनल खराब हो गया तो निकल गया, तो उसको लगाना है। तो लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाया था उस टाइम, और अभी भी नहीं हो रहा है। तो मेरा ये सामान ना सब यही बाहर रखना पड़ता है, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर कुछ कर नहीं सकते। चल रहा है ऐसे, सेटिंग करना पड़ता है डेली सुबह शाम दो टाइम, तो ऐसे ही चल रहा है। साफ सफाई आप लोग क्या कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी सुबह है तो दोपहर की लंच के लिए सोचना पड़ता है। तो डीप फ्रीज में कुछ नॉनवेज वगैरह रखे थे तो मैं निकाल के बाहर रख रही हूँ, ताकि बनाते टाइम थोड़ा सा आसान हो जाए, इसका जब बर्फ वगैरह गल जाएगा। तो जो मैंने डस्टिंग की कपड़ा है ना जो सारा, वो अब मैं थोड़ा सा शराब और गर्म पानी में भिगो के रख दूँगी आधा घंटा अच्छे से, इसका जो मेल मिट्टी सारा निकल जाएगा। तीन लीटर तेल में हो गया तो उसको भी साफ करके इसमें डाल दिया, इसको भीगने देते, सब काम हो गया झाड़ू पोछा। तो फाइनली आप लोगों से आमने सामने बात करने का टाइम मिल रहा है। तो मैं किचन में आ गई, खूब सारे कपड़े थे वो भी धोई हूँ। का तो साफ सफाई का काम तो आप लोगों को दिखाई दिया, कपड़े धो के नहा धो के आई, थोड़ी देर पंखे में आराम करी, वाल वाल सुखा के फिर आई किचन में। खाना मैंने ऑलरेडी बनने के लिए मतलब बनाना शुरू कर दिया, तो खाने में आज क्या बन रहा है देखो। यहाँ पे खाने में बन रहा है आलू और घिया, मतलब आलू घिया की सब्जी। यहाँ पे करेला, आलू करेला की सब्जी बनेगा। तो ये होगा हमारा दोपहर का लंच, तो ठीक है तो बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्या बना रही हो तो दिखाई दिया आप लोगों को। तो मैं फटाफट बना रही हूँ। क्रिश को ना भूत चढ़ा हुआ है, उसको पैरेट से ये
पहले तो कह रहा था मुझे डॉगी चाहिए, डॉग चाहिए छोटा सा नन्ना मुन्ना, इसको पापा करे नहीं, कौन संभालेगा उसे, उसको पोटी कराने ले जाना होगा, शुशु कराने ले जाएगा, वो बाहर कौन ले जाएगा, और मेरे पास तो भाई इतना फालतू टाइम नहीं है, और मुझे वैसे भी इतना अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है, बता नहीं सकती। तो अब कह रहा है पापा मुझे बंदूक खरीद के दो, पैरेट खरीद के दो। तो पैरेट तो इनकी ना पैर में फोड़ा हो गया, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो जा नहीं पाए, वो थोड़ा दूर जाना पड़ता है, लाल किला के सामने जाना होता है, वहीं पे ही मिलता है, तो वो जा नहीं पाए। तो कह रहे पापा मुझे एक बंदूक खरीद के दो, मैं लॉकडाउन में क्या करूँगा, एक बंदूक से ही तो खेलूँगा मैं, पुराना है उसके पास पर मन भर गया उससे, थोड़ा नया सही है, तो मन बहलाने के लिए देना पड़ेगा, क्या करे। तो मैं फटाफट खाना इसलिए बना रही हूँ, इसके पापा आ जाएंगे तो चलेंगे लेने, तो जल्दी में हूँ ना, तो इसलिए इस बल्ले बर्नल पे भी कढ़ाई रख दिया ताकि फटाफट खाना बन जाए। उधर एक चावल चढ़ा दिया, सब्जी एक में बन रहा है, दूसरी सब्जी इसमें चढ़ा दूँगी, तो फटाफट इस तरीके से काम हो जाएगा। तो फिर इसको पापा आ जाएंगे फिर जाऊँगी। तो जब खाना बना रही थी ना, ऊपर खूब सारे कपड़े डाल के आई थी, अचानक बारिश आने लगी, कपड़े उतार के फिर अंदर स्टोर रूम में डाल के आई हूँ अच्छे से सारे, मतलब मेरा काम और ज़्यादा फैल गया, बढ़ गया। फिर आई दोबारा किचन में खाना बनाने, तो ऐसे ही भागा दौड़ी का ज़िंदगी है चल रहा है। खूब अच्छी वाली बारिश हो रही बाहर, मैं खाना बना रही इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पा रही। तो ये मेरे कृष्ण महाराज का बंदूक आ गया, ये देखो ओपनिंग कर रहा है मेरे बाबू, ये देखो कितना खुश है, देखो इसके मुंह में कितना बड़ा सा स्माइल है, बड़ा खुश हो रहा है, अपना मनपसंद का चीज लाया, देखो। लेकिन इसको ना खोल के जैसे ट्रिगर दबाते थोड़ा खींचना पड़ता है ना पीछे की तरफ, तो गोली वाली सेट करके जैसे दबाया ना, तो उसका स्प्रिंग बाहर को निकाल आया था, उसका दिल बैठ गया था बिल्कुल ही, मुंह छोटा सा हो गया था। तो फिर इसके पापा ने फिर उसको किसी तरीके से ठीक ठाक कर दिया, साइना वाला आइटम है, घर तक की कोई गारंटी नहीं है, दुकान तक की गारंटी है। तो छोटा सा मुंह हो गया था, रोने वाला शक्ल हो गया था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, जितनी दिल से लाया मेरे बाबू खेलने के लिए और टूट फूट गया। तो फिर इसके पापा ने थोड़ा सा ठीक ठाक करके दिया, अब देखो कितना बड़ा स्माइल है इसका मुंह में। तो चल रहा है इससे सब कुछ, बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है छोटे छोटे खुशी के लिए। तो बराबर की तरह शाम को भी आ गई किचन में, तो शाम को फ्रिज को खाना है प्याज पकौड़ा। तो मैं प्याज पकौड़ा कैसे बनाती हूँ, ऐसे रिंग रिंग करके प्याज पकौड़ा बना के देना होगा, रिंग वाला प्याज पकौड़ा उसको यही पसंद है, तो यही बनाने आई हूँ। तो कैसे बनाऊंगी चलो, तो उसके लिए पहले बेसन घोल लेते हैं। तो मेरे पास ना बेसन कम था, तो इस करके मैंने क्या करा, 3 चम्मच बेसन था, और चावल का जो आटा है ना होममेड है, मैंने घर में निकाला था आटा, पिछले एक वीडियो में दिखाया था, इसको खूब अच्छे से धूप लगा के मैंने रख दिया, तो इसको देने से ना करारा हो जाता है। तो कोई भी पकौड़ा बनाओ अगर 2-7 चम्मच चावल का आटा दे दिया ना, तो क्रिस्पी बनता है, स्वाद बढ़ जाता है। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी खाने का सोडा वो भी दे दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसको फेंटाती जाऊंगी, तो सबको ही पता है। तो चलो इसको बनाते हैं। आज ना बारिश हुआ थे, तो क्रिश करे मम्मी वो क्या कहते हैं प्याज है, मैंने कहे, कहता है बेसन है, मैंने कहे, तो कहता है प्याज का पकौड़ा बनाओ ना रिंग रिंग वाला, तो मैंने कहा चल थोड़ा सा बना लेते, तेल मेरा गर्म हो गया, बेसन को भी अच्छे से फेंट लिया। अब जो रिंग रिंग है इसको थोड़ा सा रिंग निकाल निकाल के डालती जाऊंगी इसके अंदर, खाने में ना बड़ा टेस्टी होता है। मेरे हस्बैंड में एक बार जो इसमें खाना खा जाना नहीं आता टीवी में, उस चैनल में किसी को देखा था बनाते हुए, तो उन्होंने कहा था ऐसे रिंग वाला प्याज बनाना, मोटे मोटे प्याज ला के रख, क्या कहते हाँ ला के। तो ये उस दिन मैंने पहली बार बनाया था जो इन्होंने कहा था, तो बहुत अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगता है, क्रिस्पी होता है, पतला पतला सा अच्छा लगता है खाने में, तब से मेरे क्रिश को भी पसंद है।
तो जैसे हम कोई भी चीज एक दूसरे का देख के ही सीखते हैं ना, कोई मम्मी से सीख के आता है, कोई यूट्यूब देख के सीखता है, कोई टीवी में देख के सीखता है, हर चीज कोई किसी ना किसी का देख के सीखना पड़ता है। तो मैं भी दूसरे की चीज अच्छे से नोटिस करती हूँ, कैसे कर रहे कैसे कर रहे, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं भी ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। ये देखो बन गया, इसीलिए किसी की वीडियो में जाते हो ना तो पूरा देखने की, आप तो आधा देखने की है तो थोड़ा सा स्किप करके देखने की कोशिश करो, पर पूरा देखो तब जाके समझ में आता है क्या कर रही है, क्या दिखाना चाहती है, क्या करके दिखाना चाहती है। पनीर है थोड़ा सा, उसका भी बना लूंगी तो क्रिश को दे दूँ पहले, उसको भूख लगी है, कह रहा है मम्मी मुझे पहले दे दो, मेरा दो मेरा दो, तो दिमाग खा जाएगा। तो मैं पहले इसको, उसका छोटू सा पेट ठंडा करने के लिए रख दिया, ये खा लेगा अपना। तो ये देखो बंदूक से खेल रहा था, तो तोड़ के भी दिखाएगा आप लोगों को कितना क्रिस्पी हुआ है। ये देखो खा रहा है मेरे बाबू। तो चलो मेरी और ईशा की ये हो गया हमारा, थोड़ा पनीर का भी बनाया, तो बेसन और उसका घोल थोड़ा सा कम हो गया था, इस करके से थोड़ा सा चपटा चपटा सा दिखाई दे रहा है, पर खाने में कैसे लगेगा चलो खा के बताते। आप लोग भी आ जाओ चाय के साथ, चाय मुझे इतना पसंद नहीं है, फिर भी ईशा ने बनाया तो मैंने कहा चलो भाई आज चाय से ही पीते हैं, मतलब खाते पीते हैं, आ जाओ बड़ा टेस्टी है। ईशा ने चाय बनाया बड़ा टेस्टी वाला, तो हम दोनों माँ बेटी खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ खाओ एंजॉय करो। तो आज के लिए वीडियो ऐसा, और आगे नहीं बढ़ाऊंगी, वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी ऑयली चीज़ खा के आधा घंटा बाद खूब दबा के गर्म पानी पीना तो बहुत अच्छा रहता है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।